Okay guys, let's continue the topic transport in plant. Already data videos to mutamku send karchi. Then this is my third video related to transport in plant. In this chapter, one of the most important thing is to understand the nature of stomata, the structure of stomata, the role of stomata, and where stomata is present. Okay? In general, stomata helps in transpiration. Stomata helps in transpiration. Okay. Achha. Stomata helps in transpiration. The second one is stomata helps in gaseous exchange. अच्छा transportation कौन? ना mainly plant को cooling effect provide करेगा. Provide cooling effect. Okay. अच्छा. नाउ इन डिटेल आम स्टोमाटार स्ट्रक्चर उपर डिस्कशन करवा. अच्छा स्टोमाटा प्रेजेंट इन अपर सरफेस ऑफ द लिफ, इन सम केसेस द लोअर सरफेस ऑफ द लिफ, और इन सम प्लांट स्टोमाटा इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब अपर सरफेस रे जेतिकी थिबो लोअर सरफेस रे भी सेतिकी थिबो. अंडरस्टैंड? Okay, then stomata have three types of cell. How many types of cell? Three types of cell. One is epidermal cell, the second one is subsidiary cell, the third one is guard cell. Achha. So here you see some structure. These are called guard cells. These are called guard cells. There are two guard cells. Achha. Guard cell is the main element of stomata. Stomata open hele water evaporate hobo or water vapor form re bahar jibo. Stomata close hele transpiration stop or vaporization hobo. तेणु गार्ड सेल प्लेज वाइटल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा. ओके नेक्स्ट द गार्ड सेल इज समवट बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड. यदि गार्ड सेल रो शेप को हमें कंसीडरेशन को नबा इट लुक्स लाइक बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड. अच्छा एठी आउ गोटे कथा मुझे कहूँगी है बीन सेप्ड, बीन सेप्ड गार्ड सेल, बीन सेप्ड गार्ड सेल डाइकॉट प्लांट रो. डाइकॉट मीन्स द्विबीजी पत्री हैविंग टू कोटिलेडन एंड इन मोनोकॉट द गार्ड सेल इज क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर and the appearance is dumbbell shaped. The appearance is dumbbell shaped. Dumbbell shaped guard cell. Karo na monocots man karo. Here you see in dicot the guard cell is somewhat bean shaped and in monocot the guard cell is dumbbell shaped. Okay. Achha. Guard cell have a centrally located bulging nucleus. Guard cell lo nucleus achi, hence guard cell is living. Okay. Achha. Cell lo nucleus rahile to ame taku true cell kahiba. अच्छा जेमती गोटे ह्यूमन बीइंग रो ब्रेन
मेन इम्पोर्टेंट थिंग सेमती गोटे सेल न्यूक्लियस इज इम्पोर्टेंट थिंग गार्ड सेल इज न्यूक्लियस हेन्स द गार्ड सेल इज लिविंग इन नेचर द गार्ड सेल इज लिविंग इन नेचर ओके अच्छा गार्ड सेल हैव टू वॉल दीज आर द इनर वॉल आउ ए जोडा देखु छ पिले माने एटा होची आउटर वॉल नॉर्मली गार्ड सेल रो इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन ऑलरेडी एंट्रेंस रे पढ़ी सारी तेणु मुझे तो कहीदेली द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन ओके एक्सेप्ट दैट गार्ड सेल हैव सम क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल गार्ड सेल हैव सम क्लोरोप्लास्ट मॉलिक्यूल अच्छा जोटा को इन ओडिया कॉल्ड एज हरित लवक गार्ड सेल रो क्लोरोप्लास्ट थिबारु इट कैन फोटोसिंथेसाइज इटसेल्फ आलोक शोषण प्रक्रिया करि पारे ऑल्सो और इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन फूड ओके हेंस गार्ड सेल इज ओवरऑल लिविंग एंड ऑटोट्रॉपिक सो बोझी क्लियर सम सेल्स सराउंड गार्ड सेल सम सेल्स सराउंड गार्ड सेल हियर यू लुक सम सेल सराउंड गार्ड सेल दीज आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल दीज आर कॉल्ड सब्सिडरी सेल बट सब्सिडरी सेल हैव नो न्यूक्लियस हेंस सब्सिडरी सेल इज नॉन लिविंग सब्सिडरी सेल इज नॉन लिविंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस ओके अगेन सब्सिडरी सेल को सराउंड करछी तुम्हारे अनदर सेल कॉल्ड एपिडर्मल सेल कॉल्ड एपिडर्मल सेल एपिडर्मल सेल आल्सो नॉन न्यूक्लिएटेड हैविंग नो न्यूक्लियस हेंस इट इज आल्सो नॉन लिविंग इट इज आल्सो नॉन लिविंग ओके अच्छा हियर यू सी देयर इज अ लार्ज ओपनिंग देयर इज अ लार्ज ओपनिंग इन द सेंटर ए पटे ही वाटर इवापोरेट हब इन द पेपर पोर हेंस दिस ओपनिंग इज कॉल्ड स्टोमाटल पोर और स्टोमाटल ओपनिंग और स्टोमाटल अपरेचर स्टोमाटल अपरेचर सेम थिंग बट अल्टरनेट नेम्स स्टोमाटल पोर स्टोमाटल ओपनिंग स्टोमाटल अपरेचर थ्रू हुईच वाटर लीव्स आउट बाहर की पड़े वो ओके अच्छा तो ओवरऑल मेजर थिंग कहीदेवि आउ थे रिकॉल कर दूजी स्टोमाटा विद द हेल्प ऑफ स्टोमाटा ट्रांसपिरेशन कैन ऑकर उच्छेदन हुए अच्छा स्टोमाटा डिफरेंट प्लांट रे डिफरेंट मैनर रो स्टोमाटा किछटा प्लांट अछि सम प्लांट्स दे ओपन देयर स्टोमाटा ड्यूरिंग डे टाइम इन जनरल एटा साधारणत तुम्हें साधारण भावुव है तो ट्रांसपिरेसन डे टाइम रोच तेना स्टोमाटा ओपन हो डे टाइम बट देर आर ह्यूज एक्सेपसन्स डेजर्ट प्लांट गुड़ाक स्टोमाटा डे टाइम क्लोज रखिए नाइट आवर रे ओपन करेंगे बट आम सराउंडिंग जो प्लांट्स गुड़ाक अच्छा हाँ दीज प्लांट्स जेनराली ओपन देयर स्टोमाटा इन डे टाइम एंड क्लोज देयर स्टोमाटा इन नाइट टाइम एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा पाई गार्ड सेल रेस्पॉन्सिबल गार्ड सेल इज बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड इन डाइकॉट एंड इट इज डंबल शेप्ड इन मोनोकॉट द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिक एंड द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल इज थिन गार्ड सेल हैव अ क्लोरोप्लास्ट हेंस ऑटोट्रॉपिक गार्ड सेल हैव आल्सो न्यूक्लियस हेंस लिविंग बट गार्ड सेल को जो सब्सिडरी सेल सराउंड करछि तार ना क्लोरोप्लास्ट नाही ना न्यूक्लियस नाही त
तेणु इट कांट फोटोसिंथेसाइज, इट ऑल्सो नॉन लिविंग। सेमती एपिडर्मल सेल सराउंड करती सब्सिडरी सेल को, हैला? तो एपिडर्मल सेल इज ऑल्सो नॉन लिविंग एंड ऑल्सो इट हैव नो क्लोरोप्लास्ट, हेंस फोटोसिंथेसिस करी परिबोनी। तो तले एबे मेन एराइज आसीबो, मेन क्वेश्चन तो माइंड वेदर आसीबो जे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एपिडर्मल सेल एंड सब्सिडरी सेल। दे प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, एडिशनल स्ट्रेंथ फॉर गार्ड सेल। अ गार्ड सेल ओपन हेले स्टोमाटा ओपन, व्हाट ट्रांसपिरेशन होकर। गार्ड सेल यदि क्लोज हो जीवो स्टोमाटा क्लोज, ट्रांसपिरेशन बंद हो जीवो। अच्छा एमि देखो, एटा होची ओपनिंग स्टेट ऑफ स्टोमाटा, एटा होची क्लोजिंग स्टेट ऑफ स्टोमाटा। तेणु मु जोटा तुमको देखी एटा ओपनिंग स्टेट टा देखी, यदि क्लोजिंग स्टेट देखे थांती तो कंप्लीटली जो लार्ज गैप टा ओपनिंग टा पूरा आसिक स्क्वीज हो जाता, एमती पूरा माने कौन पूरा दी पड़ जाक स्ट्रेट हो जाता, बुझिपारछ ना? अच्छा तो एटा होची कथा, दीज आर ऑल अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा। ए स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा तुम एनसीईआरटी बुक रे दीटा जगह रे अछि, हैला? गोटे अछि कौन तुम्हारा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट रे आउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट रे, दीटा चैप्टर अछि, तेन मु डिटेल बुझै देली, हैला? तेन तुम याकु ड्रॉ कर देबो कॉपी रे आ बढ़िया से लेबलिंग कर देबो, देन मते सबमिट कर देबो, ओके? तेन स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा क्लियर। थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू।